दोस्तों, चाहे मर जाना भूल कर भी मनी प्लांट में ऐसी मिट्टी कभी मत डालना और ऐसा पानी कभी मत डालना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए खाद के रूप में मनी प्लांट में गोबर डालें या नहीं, खाद डालें या नहीं। यदि पत्ते पीले पड़ जाएं तब उसका क्या करें, फेंक दें या संभाल कर रखें या मिट्टी में दबा दें। मनी प्लांट के सूखे पत्तों के साथ यह गलती कभी मत करना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा। मनी प्लांट के पौधे से जुड़ी 20 ऐसी जानकारियां जो शायद ही कोई आपको बताएगा। जानिए मनी प्लांट के 20 चमत्कारी फायदे जो आपको हिलाकर रख देंगे। दोस्तों, आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का पौधा अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी शक्तियों से बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रचुर मात्रा में इसके अंदर सकारात्मकता का भंडार होता है। यह किसी भी चीज को आकर्षक रूप से अपनी ओर खींचता है, यानी धन को तेजी से आकर्षित आपकी ओर करता है। इसे आप पैसों का पेड़ बोल सकते हैं, यानी आपका जिस भी बैंक में आपका खाता है आप इसे एक बैंक का नाम दे सकते हैं। बोल सकते हैं यह हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है मनी प्लांट, यानी पैसों का पेड़। दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के विषय में कई ऐसी रोचक जानकारियां प्रचलित हैं। ये जहां भी होता है धन को साथ में लेकर चलता है, यानी इस पौधे के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिसके अंदर अधिक मात्रा में धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती इसकी जड़ में होता है और पत्तों में होता है। इस पौधे के पास एक जादुई पोटली होती है जिसमें धन होता है, पैसा होता है और माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से इस पौधे में वास होता है। मान्यता है कि जहां पर मनी प्लांट का पौधा लगा होता है वहां पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी सदैव वास करती हैं और श्री हरि भी मनी प्लांट में वास करते हैं, इसीलिए इस पवित्र पौधा कहा जाता है। आपको बता दें, जो व्यक्ति सही तरीके से मनी प्लांट की देख रेख करता है उसके घर में सदैव धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, ऐसे में हम ये जानते हैं कि मनी प्लांट के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या हैं जो आप नहीं जानते, और ये फायदे शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube चैनल में आपको कोई भी यह फायदे नहीं बताएगा, ये जानकारी सिर्फ आपको इस्माइल फैमिलीज YouTube चैनल पर ही मिलेगी। साथ में हम ये भी जाएंगे कि मनी प्लांट में कौन सा पानी नहीं डालना चाहिए और मनी प्लांट में खाद कौन सी डालनी चाहिए और किस घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए और मनी प्लांट को किसे नहीं छूना चाहिए, वगैरह वगैरह। हम तमाम जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। साथ ही हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को भी जरूर सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आपको अगर शीघ्र ही धनी बनना है तब ऐसे में आपको मनी प्लांट कभी किसी से खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। खरीदा हुआ मनी प्लांट कभी असर ही नहीं दिखाता, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, हम आपको बाद में बताएंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए, ये पौधा किसी ऐसे व्यक्ति के घर से चोरी करना चाहिए जिसका जलवा हो, उसका घर देखने में खूबसूरत हो, घर में हरियाली हो, सुखमय वातावरण हो और जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो। मनी प्लांट किसी ऐसे घर से चुराएं जिसके पास रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ हो, जिसके घर में पूजा पाठ होती हो, जिस घर में चारों दिशाओं से धन आता हो, अन्न की कोई कमी ना हो, जिसके घर में मनी प्लांट हरा भरा हो, खूबसूरत हो, घना हो, पत्तेदार हो, चमकदार हो, आकर्षित लगता हो, ऐसा मनी प्लांट चुराना चाहिए। वह भी कम मात्रा में थोड़ा सा। वृक्ष चुराकर वृक्ष की उत्पत्ति, घर में करना वृक्षारोपण करना तथा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि वृक्ष चुराकर उसे नष्ट किया जाए तब पाप माना जाता है, अशुभ माना जाता है। दोस्तों, कितना चुराना है वो भी आपको बताते हैं। मनी प्लांट आप ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लें, लेकिन ध्यान रहे पीले पत्तों वाला या सूखे पत्ते वाला मनी प्लांट ना तोड़े, पत्ते हरे भरे होने चाहिए और इसे आप सबसे पहले किसी पानी की बोतल में लगाएं ताकि उसमें जड़ निकल आए। उसके बाद आप किसी जमीन में लगा सकते हैं या बोतल में भी लगा सकते हैं। देखिए, जब आप मनी प्लांट घर में लेकर आते हैं तब उसी क्षण आपको पानी की बोतल में डालना होता है ताकि मनी प्लांट के टूटे हुए हिस्से से, नीचे वाले तने से जड़ की उत्पत्ति हो जाए। जब उसमें जड़ निकल आती है तो तब आपको उसी वक्त जमीन में या गमले में लगाना है, या आप चाहें तो पानी की बोतल में सदैव के लिए रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए और पानी को हर 2 से 5 दिन बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुरा कर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चुंबक की तरह खींचा चला आता है, और जिस किसी के घर से भी आपने मनी प्लांट चुराया होता है यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब उसी वक्त आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी की तरह होने लगती है। आप धनवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में तेजी से आकर्षित होने लगती है, धन की देवी माता लक्ष्मी हरियाली देखकर दौड़ी चली आती है। मनी प्लांट कभी खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों,
हमने भी मनी प्लांट को किसी धरना सेठ के घर से ही चुरा कर ही लगाया है। बहुत ही शुभ परिणाम देता है। मनी प्लांट की जड़ों को कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो उसमें लाल कलर का रिबन बांध ले ताकि उसकी जड़ें छुप जाएं। लाल रंग का रिबन बांधने से मनी प्लांट की शक्ति कई अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, इसीलिए मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधने की सलाह दी जाती है। चाइना और कुवैत के लोग भी मनी प्लांट पर लाल कलर का रिबन बांधते हैं। अगर लाल रंग का धागा ना हो तो लाल रंग का कलावा भी बांध सकते हैं। कलावा तो और भी शुभ और अत्यंत मंगलकारी और विशेष माना जाता है। दोस्तों, मनी प्लांट को किस चीज में और कहां कहां लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। मनी प्लांट को किसी बोतल में पानी डालकर या जमीन में लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि जमीन में घर के पास कोई वृक्ष लगाया जाए, पौधा लगाया जाए, तो इससे हमारी जड़, घर की नींव मजबूत होती है, रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती, परिवार दूर नहीं होता, किसी का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता, दूरियां नहीं होती जो जड़ें होती हैं। घर की जो नींव होती है, कोई दुश्मन हिला नहीं पाता, नजर दोष या किसी की बुरी हाय बद्दुआ नहीं लगती। दोस्तों, माना जाता है कि मनी प्लांट को जब आप एक धन की तरह ही पूजोगे तब इसका सकारात्मक असर बड़ी तेजी से काम करता है। मनी प्लांट घर के अंदर मुख्य द्वार के ऊपर, जहां से आप इंटर करते हैं, वहां पर इसे लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ इसे टेरिस पर लगा सकते हैं, या उससे ऊपर कोई टेरिस हो, ऊंची छत हो, उस पर भी आप बेशक लगा सकते हैं। घर के बीचों बीच लगा सकते हैं। मनी प्लांट दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं, इससे दरवाजा भी खूबसूरत लगेगा और आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। रसोई घर में आप मनी प्लांट विंडो के पास ही रखें। अच्छा माना जाता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, इस दिशा में यह पौधा लगाने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होता है। इस दिशा के देवता विघ्निहर्ता भगवान गणेश जी है, प्रतिनिधि शुक्र है, इसीलिए अगर धनी होना है तो इस पौधे को इन दिशाओं में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एक गुप्त जानकारी की बात करें तो जब घर में इसका एक पत्ता भी पीला पड़ जाए या अचानक से सूख जाए, तब इससे यह पता चलता है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, कमजोर होने वाली है, धन का नाश होने वाला है तथा खर्चे बढ़ने वाले हैं या कर्ज बढ़ने वाला है। अक्सर ऐसा उन्हीं घरों में होता है जहां पर मनी प्लांट की देखरेख गलत तरीके से होती है। ऐसा तब होता है जब इसमें गलत पानी पड़ता हो। माना जाता है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करने वाला पौधा होता है। इसकी आपको कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, मनी प्लांट में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही वास करते हैं तथा धन का वास होता है। कुबेर महाराज का मनी प्लांट प्रतिनिधित्व करता है। मनी प्लांट में वो पानी डालना चाहिए जो आप पीते हैं। इसमें हमेशा साफ पानी ही डालना चाहिए। मनी प्लांट में आप चाहे तो पानी के अंदर थोड़ा सा आलू का रस डाल सकते हैं। इससे मनी प्लांट बड़ी तेजी से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, लाजमी है कि जब मनी प्लांट हरा भरा होगा तब घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा और खुशियां आपके घर में पसारेंगी, धन आकर्षित होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। साथ ही साथ गंदा पानी ना डालें। अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो जाए तब ऐसी स्थिति में मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया, जैसे मान लीजिए पानी डालने के लिए आपके घर में कोई नहीं है और आप इस स्थिति में बीमार हैं, आपको मासिक पीड़ा है और आपने पानी डाल दिया, तो समझो आपका जो मनी प्लांट है वह धीरे धीरे सड़ जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा और आपके घर में धीरे धीरे गरीबी का वास हो जाएगा, दरिद्रता का वास हो जाएगा। इस वक्त आप पीड़ा में होती हैं तो मनी प्लांट को आपकी पीड़ा लग जाती है और मनी प्लांट नष्ट हो जाता है, फिर गलत परिणाम मनी प्लांट देने लगता है। दोस्तों, साथ ही साथ मासिक धर्म के दौरान तुलसी में भी पानी नहीं डालना चाहिए। इससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और घर में धन आने की वजह जाने लगता है। रविवार को भूलकर भी मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, मनी प्लांट की डालियां हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। मनी प्लांट जितनी ऊंचाई पर जाएगा धन भी उतना ही आकर्षित होगा, घर में खुशियां आएंगी। मनी प्लांट की मिट्टी में या बोतल में एक रुपए का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए, इससे घर में धन आकर्षित होगा। कहते हैं पैसे को पैसा ही खींचता है। मनी प्लांट में सिक्का डाल देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बड़ी तेजी से होता है। यदि आपने गमले में मनी प्लांट लगाया है तो गमले में एक रुपया डाल दें, और यदि जमीन में मनी प्लांट लगाया है तो उसमें एक रुपया का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए। इसका नाम ही है मनी प्लांट, तो इसके पास भी थोड़ी मनी होना चाहिए। आप इसको मात्र थोड़ी सी मनी ही देंगे तो यह आपको लाखों करोड़ों रुपए की मनी देगा। हमारे घर में भी मनी प्लांट में रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, हमने अर्पित किया है, हमने डाला है, इसलिए आप भी जरूर डालें सिक्का। शास्त्रों में एक कथा आती है कि वृक्ष के नीचे थोड़ा सा धन रखने से या धन को चढ़ाने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, बीमारी उसके जीवन में कभी नहीं आती। इसीलिए वृक्ष के नीचे हमें धन अवश्य रखना चाहिए,
और आपके घर में मनी प्लांट है तो उसमें पैसे हमेशा रखना चाहिए ताकि यह आपको दुगनी तेजी से आपको मनी दे पैसा दे। मनी प्लांट में जो अपने एक रुपए का सिक्का डाला है आप उसे यदि धन रखने के स्थान पर रख दें तब आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से रुपए का सिक्का मनी प्लांट में रखा होने की वजह से इसमें दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार आ जाता है। इस सिक्के को आप जहां भी रखेंगे वहां पर धन की कोई कमी नहीं होगी, अन्न की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, अपने घर का मनी प्लांट कभी भी उपहार में किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सब नष्ट हो जाएगी। आपने जितना भी धन कमाया है सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। घर के मनी प्लांट को उपहार में देने का मतलब है कि आपने अपने घर का धन दे दिया है, इसीलिए उपहार में मनी प्लांट कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो बाहर से लाकर दे सकते हैं, लेकिन घर का मनी प्लांट कभी किसी को उपहार में ना दें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, और मनी प्लांट को अक्सर आपने घर, ऑफिस या शॉप पर लगाए हुए देखा होगा। मनी प्लांट का हरा रंग आंखों को सुकून देता है। मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है। मनी प्लांट अक्सर लोग जो झूठी पेप्सी की बोतल होती है उसमें लगा लेते हैं, ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। झूठी बोतल में या शराब की बोतल में मनी प्लांट नहीं लगना चाहिए। आप बाजार से नहीं बोतल खरीद लाएं जो कभी इस्तेमाल न की गई हो। हल्की टूटी कांच में भी मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। बोतल साफ स्वच्छ और एकदम सफाचट होना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में भी आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, पर वह बोतल साफ होना चाहिए और इस्तेमाल नई नई होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस प्लांट को लगाने से गुड लक बढ़ता है और घर परिवार में धन एवं समृद्धि आती है। मनी प्लांट घर में लगाने से शुक्र मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा अस्थायी रूप से बरसती है। शुक्र बलवान होने का मतलब ही है करोड़ों का धन हासिल होना। दोस्तों, अगर मनी प्लांट पूरा पीला पड़ जाए, पत्ते गिरने लगे, तब उसको तुरंत हटा देने में ही आपकी भलाई है। अगर एक दो पत्ते पीले पड़ जाएं तो उसे कैंची से काटकर फेंक दें, लेकिन पूरा सूखता हुआ मनी प्लांट आपको बर्बाद कर सकता है, तुरंत उसे हटा दें। दोस्तों, सुबह जब आप उठे तो मनी प्लांट को सबसे पहले जरूर देखें। अच्छा माना जाता है पूरे दिन भर आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार बना रहता है। देखिए मित्रों, मनी प्लांट को सुबह के समय हम भी देखते हैं और निहारते हैं। हमारे ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, हमें बहुत सुकून और आनंद मिलता है, हमें चारों दिशाओं से धन मिलता है। इसीलिए सुबह के समय मनी प्लांट को सबसे पहले जरूर देखना चाहिए। पहले आप पूजा पाठ कर लें, फिर मनी प्लांट के दर्शन करें। दोस्तों, मनी प्लांट शुक्रवार के दिन लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर में मनी प्लांट लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है और बिजनेस में भी तरक्की के साधन खुलते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मनी प्लांट को जब भी आप पानी दें तो उसमें दूध की कुछ बूंदें जरूर डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए भी उसमें गाय का कच्चा दूध डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। धन के पौधे पर दूध चढ़ाने से धन भी बहुत तेजी से बढ़ता है, साथ ही व्यक्ति की किस्मत भी उतनी ही तेजी से चमकती है। दोस्त, मनी प्लांट में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो वो पानी गंदा ना होने पाए, तुरंत उसे बदल दे। अगर आपने मिट्टी में लगाया है तो वो मिट्टी साफ होना चाहिए, मिट्टी से कचरा हटा देना चाहिए। कंपोस्ट खाद ही मिट्टी में लगाना चाहिए, इससे मनी प्लांट कभी नहीं सूखता। एक से ज्यादा मनी प्लांट आप घर में लगा सकते हैं, साथ ही साथ कमरे में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं। मनी प्लांट छोटे पत्ते वाला लगाना चाहिए, अच्छा माना जाता है। यह धन को तेजी से आकर्षित करता है। घर में मनी प्लांट जब हरा भरा हो जाता है तो पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। रिश्तों में मधुरता आती है, परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। दोस्त, मनी प्लांट बुरी शक्ति को पहचान लेता है। ध्यान से देखिए, मनी प्लांट के पत्तों पर काले काले स्पॉट अगर पड़ गए हैं तो समझो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, क्योंकि मनी प्लांट नकारात्मकता को सोख लेता है। इसीलिए ऐसे पत्ते को आप बाहर फेंक दें, इससे नकारात्मकता भी बाहर चली जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई बुरी शक्ति मनी प्लांट ने देख ली होगी और उसे घर से भगा दिया और उस बुरी शक्ति का असर अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए आप भी बुरी शक्ति से बच जाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट आपको बचा लेता है। लेकिन ध्यान रहे, पत्ते के काले पड़ जाने पर उसे तुरंत बाहर जरूर फेंक दें। इससे जितनी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी वो कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, और एक मिली रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट बताते हैं कि मनी प्लांट का पौधा थोड़ा जहरीला होता है। इससे जानवर की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि मनी प्लांट में जो बीज की लकड़ी होती है जानवरों के लिए जहरीली मानी जाती है। ये बात सच है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मनी प्लांट घर में होना आवश्यक है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए घर के अंदर मनी प्लांट लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट ही एक ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाने से शुक्र तेजी से बलवान होता है। आप बड़ी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ेंगे।
आप धनी हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, ये पौधा शरीर का कायाकल्प करता है, मर्दों का हिस्सा मोटा कर देता है। कायाकल्प का मतलब कि दोस्तों, आपके शरीर को पुनः यौवन से भर देता है, बुढ़ापे को दूर कर शरीर को यौवन बना देता है, युवा बना देता है। फिर आप तेजी से करते हैं, और अधिक क्या कहूं दोस्तों। इस पौधे को संजीवनी बूटी से भी ज्यादा पावरफुल बताया है। और दोस्तों, हम अपने स्माइल फैमिलीज चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ और गोपनीय से गोपनीय पेड़ पौधों की जानकारी बताते हैं, ताकि दोस्तों हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो। दोस्तों, हमारी भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त होने के कगार पर है। और दोस्तों, हम अपने स्माइल फैमिली चैनल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इस प्रकार की समाप्त हो रही पेड़ पौधों की जानकारी को पुनः समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो। दोस्तों, भगवान शंकर ने इसकी प्रशंसा करते हुए यह भी कह डाला है कि इस पौधे से मनुष्य मृत्यु को जीतकर ब्रह्मदेव के समान आयु वाला हो जाता है। और दोस्तों, भगवान शंकर जी की बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य गगनचर हो जाता है, अर्थात दोस्तों आकाश में भ्रमण करने वाली शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर हमने बनाई है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को इतना बता दूं, स्माइल फैमिली मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधों की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, तो हमारे चैनल स्माइल फैमिली को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, स्माइल फैमिली में आप सभी दर्शकों का साथ हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम आप सभी दर्शकों के साथ में जुड़ करके पेड़ पौधों की जानकारी को एक बार पुनः हम समाज में फैलाने के प्रयास में लगे हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछने लगी कि हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के विद्वान हो। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। जो मेरा मन है अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। हे प्रभु, आप मुझसे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्य गानों को कहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत पुनर्नवा कल्प के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाना है इस पौधे का। जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे 1001%, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, दोस्तों बुढ़ापा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप चीर यवन को प्राप्त करेंगे और आप अपनी आयु को भी अपनी मृत्यु को जीत सकते हैं। भगवान शंकर ने काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में वनस्पति विज्ञान में इसके बारे में माता पार्वती को कहा है। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नवा से मनुष्य शरीर का कायाकल्प कर सकता है तथा सर्प की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों जो सर्प है अपनी कैंचुल को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके कल्प के बारे में बताया। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की, भगवान शंकर ने हर्षित होकर माता पार्वती को कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा का आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं, सो तुम ध्यान से सुनना, फिर इसके मैं दैवीय चमत्कार को कहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को भी मैं जानकारी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए इसके सबसे पहले आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं, फिर दोस्तों मैं आप लोगों को इसका दैवीय प्रयोग बताऊंगा जिससे मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफेद पुनर्नवा की जड़ को गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करें तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाती है। नेत्रगत व्याधि में जितनी भी नेत्र की पीड़ा है, नेत्र में दर्द है, नेत्र में लालिमापन आ गया है, नेत्र व्याधि जितने भी रोग है, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर इसका दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूध से पुष्प, शहद से अश्रु, अर्थात आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो बीमारी दूर होती है। कांजी से नेत्र का अंधापन दूर होता है। अधिक क्या कहूं। हे पार्वती, पुनर्नवा नेत्र को नवीन बना देता है, अर्थात दोस्तों जो हमारे नेत्र है उन्हें नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रशंसा करते हुए इसका तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना ये बोलते हैं, तो इसे हम पीलिया रोग बोलते हैं, ये ठीक हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वह मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है, अर्थात दोस्तों जो रोग है उनका बाल बांका नहीं कर पाता, मनुष्य दीर्घजीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करता है। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को यह भी कह डालते हैं कि हे पार्वती,
ज्योतिष्मति और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से मनुष्य जो मनुष्य की काम अग्नि है वह बढ़ जाती है, अर्थात मनुष्य की जो यवन क्षमता है, जिसे हम स्टैमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वो बढ़ जाता है। इसकी जड़ और मधुरस अर्थात शहद, ये दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवीय प्रयोग बता रहा हूं। सो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान से सुनना है वीडियो में। और भी आगे जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है, दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारी भारत भूमि में है और माता भारती की कृपा से इस प्रकार के पेड़ पौधों का ज्ञान हमारे भारत भूमि में समाप्त नहीं हुआ है। माता ने अपने गर्भगृह में इसे छुपा करके रखा है। आइए इसके हम दैवीय प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पढ़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल जो सफेद पुनर्नवा की जड़ और पत्र है, इसे इकट्ठा कर लेना चाहिए और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए, और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ अलौकित करके एक माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, घी और मधु ये दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए जब भी आप यह क्रिया करें किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते हो उनके समीप में रह करके ही करना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक माह तक अगर घी और मधु के साथ अलौकित करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखे और एक महीने बाद पवित्र होकर के बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके एक माह तक इनका सेवन करे तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्पा भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है, भौरे के समान उनके बाल हो जाते हैं, केस हो जाते हैं और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताया हूं कि ये जो पौधा है कोई साधारण पौधा नहीं है, इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने और अनेक प्रकार के विद्वानों ने करी है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष प्रकार से अगर स्वर्ण से युक्त करके अगर इसके रासायनिक क्रिया करें अर्थात इस पौधे को अगर स्वर्ण के साथ मिला करके पिघला करके रसायन क्रिया करें और मनुष्य अगर इनका भक्षण करता है ग्रहण करता है तो कामदेव के समान सुंदर और अनेक काल तक जीवित रहता है, इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो इनके दैवीय प्रयोग कहें सो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने भी इसके बारे में हमें अनेक प्रयोग बताए हैं, सो हम आप लोगों को कह डालते हैं, आप लोग इसे ध्यान से सुनना। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यवन रहता है, अर्थात दोस्तों मनुष्य को बुढ़ापा नहीं आता। तो इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ आपको नित्य सेवन करना है। अगर बुढ़ापा से बचना चाहते हो तो और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य जीता है। दोस्तों, पुनर्नवा को पीस करके घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों ना हो, कितना भी घाव का गड्ढे क्यों ना हो, चमत्कारिक तरीके से ठीक होकर के पुनर्नवा शरीर पे नवीन मांस भर देता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था, उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ में पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे, क्योंकि सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीस कर उनके घाव पर लगाया था। पुनर्नवा घाव को अति शीघ्र भर देता है। तो दोस्तों, पुनर्नवा जो है घाव को भरने का काम करता है, ये जानकारी आप किसी स्थान पर पेन कॉपी पे नोट करके रखें। और यह यवन को स्थिर बनाए रखता है, अर्थात दोस्तों ये शरीर में जो हमारी यौन शक्ति है उसे बरकरार रखता है। अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है, अर्थात दोस्तों लंबे समय तक जीवन जीता है। एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही गोपनीय बात है जो जानकारी हमें हमारे गुरु ने बताई है। जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं, जो कि योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महा औषधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी ये दिव्य महा औषधि का प्रयोग जो कि अच्छे जानकार संत महात्मा है, जो कि जंगल में जीवन जीते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे संत महात्मा इस दिव्य महा औषधि का प्रयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। ये जानकारी आपको हमेशा काम आएगी। और सुंदर सी जानकारी बताने से पहले हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को जरूर सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को जरूर दबाना। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय श्री कृष्ण।
दोस्तों आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। देखिए इस पौधे का नाम है शार्पगंधा। दोस्तों इसे सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। बहुत जगह इसे गरुड़ वृक्ष भी बोलते हैं, तो जो सर्पगंधा नाम के पौधे हैं, अगर इसे शुभ मुहूर्त में जैसे कि नाग पंचमी के दिन है या फिर कहा जाए रवि पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र है या फिर दिवाली होली किसी भी शुभ मुहूर्त में इसकी जड़ को खान करके लाया जाता है और इसे कभी भी लोहे के हथियार से नहीं खाना जाता। इसे जो है कहा जाता है दोस्तों जो डंठल होता है लकड़ी का डंठल बनाकर ही खुदाई करके इसकी जड़ लाना होता है। छोटी सी जड़ ले आना, वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर इसे ला करके गंगा जल से धोने के बाद, सादे पानी से धोने के बाद, इसका कहा जाए तो थोड़ा सा धूप दिखाने के बाद इसे जो है चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है, तो नाग देवता की कृपा हमें प्राप्त होती है। जी हाँ मित्रों, नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है और इस झड़ी को धारण करने के बाद हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। हमारे सभी प्रकार की जो मनोरथ होती हैं वो पूर्ण होते हैं। जैसे कि हमारी जो संसारी की इच्छा है, हमें जो किसी भी प्रकार की जॉब लग जाए वो जॉब लग जाती है। हमारी जो सारी जीतनी भी इच्छा होती है इस झड़ के माध्यम से इच्छा की पूर्ति होती है। इस झड़ को पहनने के बाद बहुत से लोगों को रात में जो सांप दिखाई देते हैं, जैसे कि रात में ठीक से सोते नहीं है तो इस झड़ को पहनने के बाद रात में जो सांप दिखाई देना बंद हो जाते हैं और इस झड़ को पहनने के बाद आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। इस झड़ को पहनने के बाद आप जहां भी जाते हैं वहां पे आपको तरक्की हासिल होती है, कभी भी असफलता हासिल देखने को नहीं मिलती। विद्यार्थी अगर इस झड़ को पहन लेते हैं तो पढ़ाई में अच्छे से मन लगने लगता है। तुलसी का पौधा पवित्र होता है और लगभग हर घर के आंगन में आपको तुलसी का पौधा नजर आता है। तुलसी केवल धार्मिक अनुष्ठान में नहीं बल्कि कई आयुर्वेदिक दवाओं के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। घरों में सुबह शाम तुलसी के पौधे का पूजन किया जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी आपको आने वाली परेशानी के बारे में भी सतर्क कराती है? किस प्रकार से सतर्क है, कराती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी का पौधा आपको बुरी नजर से बचाता है और आने वाली मुसीबत है इसका भी संकेत देती है। यदि आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है और काफी अच्छे तरीके से फल फूल रहे हैं और एक दिन अचानक से आपके घर का जो तुलसी का पौधा सूखने लग जाए, पूरी तरीके से सूख जाए, तो समझ जाइए आपके घर में कोई मुसीबत आने वाली है। और शास्त्रों के मुताबिक तुलसी सूखने का मतलब है कि आपके घर में दरिद्रता, अशांति या क्लेश का माहौल जल्द आने वाला है। तो इसे किस प्रकार से बचाया जाए, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मकसद है आप इससे बचे और इससे छुटकारा भी पाएं, क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी कहा जाता है और हमारे घर में जो भी नकारात्मक चीज अटैक करे, हमारे जो घर में मुसीबत आने वाली हो, तो इसका सर्वप्रथम सबसे पहले जो असर होता है ये घर के लक्ष्मी के ऊपर में होता है। घर के लक्ष्मी तीन को कहा जाता है, पहला है तुलसी का पौधा, दूसरा है गौ माता, तीसरा जो घर की स्त्री इसे भी लक्ष्मी कहा जाता है। तो इन पर सबसे पहला असर होता है। तो तुलसी का पौधा जो होता है मुसीबत आने से पहले मुरझाने लगते हैं, तो किस प्रकार से इससे बचा जाए? तो एक काम करना, अगर आपके घर की जो तुलसी का पौधा सूख जाए तो निकट भविष्य में जो मुसीबत आने वाली है इससे बचने का उपाय बता रहा हूं। एक काम करना, सर्वप्रथम आप जो गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना, तुलसी को अगर सूखा हुआ देखते हैं तो गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर देना और फिर सोमवार के दिन में सर्वप्रथम एक बार गंगा जल से भगवान शंकर जी की जो मूर्ति है उसका अभिषेक कर देना, फिर दूध से कर देना। इसके बाद जो दूध है, गंगा जल है, इसे आपको ले लेना है, यानी कि ये आपको भगवान शंकर को अभिषेक करने के बाद इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। भगवान शंकर जी के अभिषेक में जो गंगा जल है, जो दूध है, इसे आपको थाली में बचा करके रख देना है, किसी पात्र में भर करके रख लेना और इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो आपके घर में किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता शक्ति प्रवेश करने वाली है, घर में जो आर्थिक आपकी स्थिति डाउन होने वाली है, जो आपको दरिद्र करने वाली है, जो आपके जीवन में परेशानी आने वाले हैं, तो ये सारी परेशानी से छुटकारा पाने का, बचने का ये सरल उपाय है। और हाँ, एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी को हमेशा हरे भरे घर में रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, पूर्ण रूप से खिला होता है, ऐसी तुलसी का पौधा काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी तुलसी का जो पौधा हरा भरा आपके घर में रहता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। जो सूखा हुआ तुलसी का पौधा है आप इसे जो है विसर्जित कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। फिर उसके स्थान पर नया तुलसी का पौधा रोपण कर सकते हैं, लगा सकते हैं। भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है क्योंकि यहां पर रामकृष्ण जैसे दिव्या महा आत्माओं ने जन्म लिया है। दोस्तों आज के वीडियो का जो हमारा विषय है, एक ऐसे वनस्पति के बारे में जिसे लोग जानते तो है लेकिन इनके फायदे के बारे में अनजान रहते हैं, इनके चमत्कार के बारे में अनजान रहते हैं। आज मैं जिस पौधे की बात करने जा रहा हूं, उस पौधे का नाम है वज्रदंती। जी हां, वज्रदंती नाम से स्पष्ट है, वज्रदंती यानी दांतों को वज्र के समान कठोर बनाने वाला।
इस पौधे में अनेक प्रकार के चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। वैसे हमारी वीडियो के जो लोग टाइटल देखे होंगे, थंबनेल देखे होंगे, उनको जरूर पता चल गया होगा कि हम किस पौधे के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्रों के अनुसार 21 दिनों तक इसके पंचांग का सेवन करने से या फिर 21 दिनों तक इसके दूध का सेवन करने से व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाता है। कभी भी उन्हें जिंदगी में रोग नहीं होता। दोस्तों, अपने अक्सर टीवी एड पर भी देखा होगा, विको वज्रदंती आयुर्वेदिक से बना संपूर्ण स्वदेशी बीको वज्रदंती, बड़ी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं और ऐसा बताया जाता है इनके दुग्ध का अगर कोई भी व्यक्ति 3 माह तक सेवन करते हैं तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला बन जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा इच्छा अनुसार राक्षस जो लोग ग्रुप बना लेते थे, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जो हैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थवान हो जाते हैं। वनस्पति में काफी सत्य होता है क्योंकि इसमें देवी देवताओं की शक्ति छुपी होती है। दोस्तों, इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक इसके दूध का सेवन करते हैं तो ब्रह्म के समान आयु हो जाता है, यानी कि व्यक्ति का अमर तो नहीं होता लेकिन व्यक्ति चिरंजीवी हो जाता है, लेकिन एक दिन भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इसके बीज को जो व्यक्ति मुख में रखता है तो ये वीर्यका का संबंध रखता है, यानी कि वीर्य खलन को रोकता है। इसकी जड़ के नीचे शरीर को छिपा करके आसमान में आ जा रहे देवी देवता और उनके विमानों को देखा जा सकता है। ऐसा काल चंडेश्वर कल्प तंत्र में लिखा है और ऐसा भी बताया जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि इसके बीज को अगर 41 दिनों तक मुख में रखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान चुटकियों में देखने की शक्ति आ जाती है। सामने वाले व्यक्ति की आप जो है मस्तक देखकर के उनके भूत भविष्य वर्तमान झांक कर सकते हैं, इतने ज्यादा इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, अलौकिक शक्तियां होती हैं, जो कि हम अगर इसका प्रयोग करना सीख जाएं तो हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नारियल का एक सबसे सरल आसान उपाय बताऊंगा जिस उपाय से घर की सारी बाधा समाप्त कर देगा, नकारात्मक ऊर्जा इसे सोख लेगा, कैसा भी भयंकर काला जादू उसे दूर कर देगा, तंत्र मंत्र अगर कितना भी बढ़ा क्यों ना हो आपके ऊपर किया वो भी समाप्त कर देगा। तो आज मैं आप लोगों को नारियल का रामबाण उपाय बताऊंगा। दोस्तों, काला जादू कोश, काला जादू का शंका हमें तब होता है जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। निर्दोष होते भी हमें जो है फंसना पड़ता है, हमारे शरीर स्वस्थ होते हुए भी बीमारी में पड़ जाते हैं, डॉक्टरी दवा का कोई असर नहीं होता, लाख प्रयास करने के बाद भी हमारे जो दैनिक स्थिति है दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है, बिगड़ता चला जाता है और एक ऐसा समय भी आता है जब हमारे पास हमारे तन के अलावा कुछ नहीं रहता। दोस्तों, यानी कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होते हैं। तो अगर आपके साथ मैं भी ऐसा हो रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसे समय जितना जल्दी हो सके, ऐसा आपके साथ में ऐसा समय चल रहे हैं तो ऐसे समय जितना जल्दी हो सके इसे दूर करने का प्रयास करें, इससे छुटकारा पाने का उपाय करें। इससे हमारे जीवन नरक अतुल्य हो जाता है, हमारा शरीर बीमारी से पीड़ित रहता है, भारी भारी लगता है, पैसे की तंगी होने लगती है और जीवन में हमें जो अनेक प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जो भी हम कुछ कार्य करते हैं उसमें हमें असफलता हासिल होने लगती है, करते कुछ और है लेकिन होने कुछ और लगता है, तो इन सारी समस्या से बचने का, छुटकारा पाने का एक ही उपाय है नारियल। जी हां, आप अपने लिए नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है आज मैं आप लोगों को जानकारी बताऊं, यदि ये किसी को बता दें तो उनके जीवन बर्बाद होने से बच जाएं। तो नारियल को श्रीफल कहा जाता है, श्रीफल यानी कि लक्ष्मी का फल कहा जाता है। तो दो उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से जितना भी बढ़ा आपके ऊपर काला जादू किया हो, तंत्र बाधा किया हो, नकारात्मक शक्तियां आगे बढ़ने से आपको जीवन में जो रोक रहे हैं सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो आपको करना है क्या है, एक सूखा नारियल लेना है और अपने शरीर से 7 बार उतारना है, यानी कि उतारा करना है, और एक लाल वस्त्र में इसे उतारने के बाद तत्काल बांध देना है और हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है उसमें जा करके चढ़ा देना है। लेकिन ध्यान रहे उतारने की विधि कुछ इस प्रकार से, उतारते समय आपको ये शब्द बोलना है कि मैं मेरे शरीर में जितने भी नकारात्मक शक्ति है, तंत्र बांधा है या फिर भूत प्रेत काली शक्ति है, वह नारियल में चली जाए और ओम हनुमंते नमः इस मंत्र को 7 बार बोलना है, पूरे विश्वास के साथ, और 7 बार उतारा करना है नारियल का। फिर इसे आपको हनुमान मंदिर में जाकर के कपड़े में लाल वस्त्र में बांध करके भेंट कर देना है। तो आपके ऊपर अगर भयंकर से भयंकर तंत्र बाधा किया हो, काला जादू किया हो, वो हनुमान जी महाराज खींच लेंगे, समाप्त कर देंगे ना। आपको बाबा के पास जाने की जरूरत है, ना ओझा के पास, ना तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, ना पैसा लुटाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके ऊपर तंत्र बाधा काम ना करें, मंत्र शक्ति काम ना करे, तो आप जो है चांदी का गदा पहने, लॉकेट बनवा लेना, चांदी का गदा का
और इसे 24 घंटे के लिए गंगा जल में डुबा देना। फिर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन समर्पित करके 24 घंटे के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करके रख देना। इसके बाद जो आप लाल कलर का जो धागे इसमें बांध करके पहन सकते हैं, तो जीवन भर तनाव, जादू टोना, अला बला, बुरी नजर आपको तंत्र मंत्र बाधा नहीं लगेंगे। तंत्र बाधा से हमेशा जो है बचे रहेंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय बजरंग बली। जिस मुख में बजरंग बली का नाम होता है, राम का नाम होता है, भूत 100 कदम उससे दूर भागते हैं।